बाबूजी, आपका बहादुर बेटा बहुत बहादुरी से लड़ा और अकेला तस तस पर भारी पड़ा। माटी का तिलक लगाकर शेर की दहाड़ की भांति दुश्मनों पर टूट पड़ा। अपने सीने से बारूद को गले लगाकर दुश्मन की पूरी चौकी को उड़ा दिया उसने। अरे भैया, आप बाबूजी से क्या बातें कर रहे हो? इन्हें तो सुनाई भी नहीं देता। जब वो छुट्टी से आएंगे ना, तो इनके लिए कान की मशीन लेके आएंगे। अच्छा, वो भैया कहाँ गए? मैं अभी लेकर आता हूँ। चौधरी, अब मैं नहीं कह पाऊंगा। आज मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि शहीद हम नहीं, हमारा पूरा परिवार होता है। कैसे कहूं बाबूजी से कि उनकी कानों की मशीन लाने वाला उनका शेर अब कभी नहीं आएगा? और कैसे कहूंगा उस नन्हे बालक से कि उसके पापा आप कभी लौट कर नहीं आएंगे? कैसे कहूं भाभी से कि वो अपने माथे का सिंदूर पहुंच ले, क्योंकि उनका सुहाग अब कभी लौट कर नहीं आएगा, कभी लौट कर नहीं आएगा। चल मुरली, वापस चलते हैं और कह देंगे उस अफसर से कि एक फौजी बड़ी से बड़ी जंग लड़ सकता है। लेकिन एक परिवार को शहादत का संदेशा सुनाने की हिम्मत नहीं है इस फौजी में। चल। बिल्कुल मेरे भाई। भाई साहब, ऐसे कैसे जा सकते हैं आप लोग? जब ये आए थे वो दिए बिना कैसे जा सकते हैं आप लोग? मैं अक्सर सोचा करता था एक फौजी को जंग में लड़ने का जुनून कहां से आता है, अपनों की सुरक्षा करने का हौसला कहां से आता है। पर आज जाके पता चला कि ये बल फौजी को उसके परिवार से मिलता है। उनके बड़े भाई भी फौज में थे, कारगिल वो खुद नहीं आए, उन्होंने तिरंगा भिजवा दिया। पर उन्होंने मुझसे वादा किया था, या तो मैं तिरंगा लाऊंगा या तिरंगा मुझे। हाँ, 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 हाँ,
कर, उन्होंने वादा था। नायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, अंचल जलज तरंगा, अब सुबह तब जय गाथा, मन नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। अनगिनत शहादत से यह आजादी मिली है, अब हमारा फर्ज है उनकी शहादत बेकार न जाए, आओ एक श्रम करें, स्वदेशी अपनाकर देश को अग्रसर करें और इस आजादी के लिए उन शहीदों को नमन करें।